स्टाफ की तरफ से, पूरे स्कूल की तरफ से, प्ले ग्रुप से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के सभी स्टूडेंट्स की तरफ से और इन बच्चों के पेरेंट्स की भी तरफ से। और ये बड़े ही गर्व का विषय है, ये कोई मामूली क्षण नहीं है। मैंने अपने जीवन में कई बार ऐसा देखा है कि एक ही परिवार में अगर 5 या 10 व्यक्ति होते हैं, वहां पर भी पूरा परिवार एक मत में एक व्यक्ति की बात नहीं मान पाता है कई बार। और यहां पर 1600-1700 बच्चों के स्कूल में अगर आप किसी एक पोस्ट के लिए, इतनी बड़ी पोस्ट के लिए अगर चुने गए हैं, तो नो डाउट आपके अंदर एक बहुत विशेष योग्यता है। और इस विशेष योग्यता के लिए मैं चाहूंगा एक बार फिर से हम जाते हैं। और विशेष योग्यता जो होती है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई योग्यता होती है, और उस विशेष योग्यता का विशेष रूप से सम्मान भी होना चाहिए। और सम्मान का मतलब यही है कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, ये हमारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड हैं और हमें इनका ओबे करना है, हमें इनको मानना है, हमें इनको सम्मान देना है, हमें इनको मानना है, तब जाके हम एक स्पेशल स्टूडेंट बनते हैं, विशेष स्टूडेंट बनते हैं। और एक 9th क्लास में जब मैं पढ़ता था, तो मुझे एक छोटी सी संस्कृत की संयुक्ति याद आ रही है, पदो ही सर्वत्र गुणों निधिये। ये जो गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर, उनको किसी पद की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप में गुण विशेष है तो किसी पद की आवश्यकता नहीं है। सचिन तेंदुलकर साहब का नाम सुना हो सभी लोग? यस सर। सुना है सभी ने? यस सर। उनको किस उपाधि से इंडिकेट किया जाता है? गॉड ऑफ क्रिकेट। गॉड ऑफ क्रिकेट। किस उपाधि से? गॉड ऑफ क्रिकेट। और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 3 बार कैप्टनशिप मिली उनको इंडिया टीम की, 3 बार कैप्टनशिप मिली। और तब वो बहुत बेहतर नहीं कर पाए, परंतु एक नॉर्मल खिलाड़ी के रूप में जब वो खेले, तो ऐसी स्थितियां और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि जो उस टाइम के जो बहुत पॉपुलर सबसे बेस्ट बॉलर हुआ करते थे, उनको रात में सपने में जब वो आ जाते थे तो उनकी नींद खराब हो जाती, डर आ जाता था उनके मन में। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हमें पोस्ट कौन सी मिली है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें बहुत खुश होना चाहिए। तो उस समय मेरे भी मन में, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूं, कहा गया है कि कितना भी गंभीर और इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, थोड़ी देर के लिए वो भी फ्लक्चुएट होता है, उसकी भी सोच फ्लक्चुएट होती है। क्योंकि जब हम कोई चीज की उम्मीद मन में रख लेते हैं, कोई सोच मन में रख लेते हैं, कोई इच्छा मन में रख लेते हैं, उसके थोड़ा सा भी इधर उधर अगर काम होता है, तो कुछ सेकंडों के लिए हमारी सोच फ्लक्चुएट हो जाती है। जैसा कि मैं आज देख रहा था कि सभी आज हेड गर्ल और हेड बॉय बस दो पे ही नजर टिकी रही होंगी आज। जैसा कि अभी एक कैंडिडेट ने यहां बोला था कि पावर या रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो कई कई बार क्या होता है कि टाइम भी इसमें कोई बाउंड्रीज तो है, पर दिखती तो है नहीं प्रत्यक्ष रूप से कि ये इसके अंदर रहेंगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके उधर चले जाएंगे तो पावर है। तो हमें आंखों से तो दिख नहीं रही कि ये बाउंड्रीज है। तो क्या होगा कि कई बार हमसे गलतियां होती हैं, क्या हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं अपने साथ वालों के साथ में, और कई बार उसको पावर मान लेते हैं। तो ये लोग क्या है, इनको कंट्रोल करें, कंट्रोल करेंगे, एडवाइस करेंगे और सब मिलके कोऑर्डिनेट करेंगे। और मैं चाहूंगा कि जो पोस्ट आपको मिली है, जैसा कि हेड गर्ल ने बताया तमन्ना ने, कि एक्चुअल में चेयर इंपॉर्टेंट नहीं होती है, चेयर इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसमें बैठने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो अभी हैं और जो पहले थे और जो उससे भी पहले थे, सबकी योग्यताएं अलग अलग है, सबकी पॉपुलरिटी अलग अलग है, देश में विकास करने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग है। अगर चेयर सेम होती पीएम की और चेयर पे बैठने वाले की कैरेक्टरिस्टिक चेयर की वजह से बदल जाती, तो क्या हमारे देश में कुछ अलग अलग हो पाता? सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता? तो इंपॉर्टेंट कौन है, चेयर या उसमें बैठने वाला व्यक्ति? तो ये इंपॉर्टेंट है। आज आप लोगों को जो अभी औथ होगी, यहां पर एक मन में संकल्प लेके जाना है कि मुझे कुछ इस स्कूल के लिए डिफरेंट करना है,